नमस्कार। रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कुचिपुड़ी डांसर भावना रेड्डी जी से। पिछले हिस्से में हमने उनके गुरुओं यानी पद्म भूषण राधा राजा रेड्डी जी के बारे में जाना। इस हिस्से में बातचीत करते हैं भावना के अपने नृत्य के सफर पर और साथ ही साथ इस डांस फॉर्म पर। अच्छा, अब इस इंटरव्यू को फोकस करते हैं आपके नृत्य के सफर पर और अब आते हैं थोड़ा सा उस डांस फॉर्म को भी समझते हैं, क्योंकि रागगिरी एक प्लेटफॉर्म है जो कोशिश करता है कि हम अपने म्यूजिक, अपने डांस, अपनी जो कला है उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करें। तो हम अपने कलाकारों से उस आर्ट फॉर्म के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या उसका मर्म क्या है उस आर्ट फॉर्म का। और कुचिपुड़ी तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, उनमें से एक है, तो किस तरह से उसको अगर थोड़ा सा आप समझा सकें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत आसानी होगी, क्या विषय वस्तु होती है, क्या आपकी ड्रेस होती है। मैं अगर अगली बार जाऊं और वहां पर मान लेते हैं 4 अलग अलग तरह के नृत्य हो रहे हैं, तो मैं कैसे पहचान सकता हूं कि ये कुचिपुड़ी है? देखिए, कुचिपुड़ी में बहुत लास्यांग, बहुत सुंदर होता है। कुचिपुड़ी एक मतलब डांस और ड्रामा, बहुत नृत्य और नाटक को मिलाकर कुचिपुड़ी बना है। और हमारे नाटक जो फोक डांसेस होते थे उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब ये बहुत यूनिक है बाकी के डांस स्टाइल्स में से, क्योंकि ये ड्रामा जो एलिमेंट्स हैं ना, वो दूसरे डांस स्टाइल्स में ऐसा नहीं है। हम खुद ही कैरेक्टर को प्ले करते हैं। हम कभी कभी स्टोरी बताते हैं, पर खुद भी हम कैरेक्टर बन जाते हैं। जैसे जब कृष्ण जी बन के आते हैं, तो उनका जो पूरा अटायर है, पूरा वेश है, तो पूरा हम मुकुट और वो सब पहन के कभी कभी कृष्ण जी की तरह नाटक करते हैं। पर दूसरे डांस स्टाइल्स में आप देखेंगे कि नाटक का एस्पेक्ट नहीं है। वो अपने ही कॉस्ट्यूम में, मतलब जो हमारा नॉर्मल कॉस्ट्यूम होता है नर्तकी की कॉस्ट्यूम, उसमें आके फिर वो पूरा नरेशन बताते हैं, स्टोरी बताते हैं। हम तो कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे कभी कभी कृष्ण जी बनते हैं, कभी कभी हम शिव जी बनते हैं, कभी कभी हम राधा बनते हैं। तो ऐसे सिर्फ कुचिपुड़ी में होता है ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, ऐसा नाटक सिर्फ कुचिपुड़ी में होता है। और कुचिपुड़ी भी अभी देखोगे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रॉडवे म्यूजिकल्स करके होता है ना, तो उसमें नर्तकी सिर्फ नृत्य ही नहीं पर संगीत भी जानती हैं। वो गाते भी हैं और कभी कभी डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं। ऐसे ही हम कुचिपुड़ी में भी हम बरसों से आया जा रहा है। आप भामा कलापम करके सुना होगा आपने। उसमें तो हम यही वाचिका अभिनय, मतलब डायलॉग डिलीवरी, और गाना भी गाती हैं सत्यभामा। तो ये सिर्फ कुचिपुड़ी में होता है। आजकल तो सब पकड़ रहे हैं, पर ये एक्चुअली कुचिपुड़ी स्टाइल के लिए बहुत यूनिक है। और उसके अलावा कुचिपुड़ी बहुत वाइब्रेंट है। आप देखोगे इतना ज़्यादा स्पीड से भी हम डांस कर सकते हैं। हमारे उसमें बोलते हैं कि 7 स्पीड्स होते हैं। तो ये भी बहुत फेमस है कुचिपुड़ी में। और बहुत ग्रेसफुल भी जाना जाता है। हम पूरा स्टेज यूज़ करते हैं और इतना मतलब स्प्राइटली मूवमेंट्स, मतलब हम कभी कभी बहुत वाइब्रेंट और ग्रेसफुल फ्लोई मूवमेंट्स, जैसे आप देखेंगे दूसरे स्टाइल्स में, जैसे मोहिनीअट्टम, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, पर हमारा स्टाइल थोड़ा अलग है दूसरे स्टाइल्स में से। पर अगर आप 2 मिनट के लिए देखोगे तो आपको लगेगा, अरे ये तो भरतनाट्यम की तरह दिख रहा है, इनका कॉस्ट्यूम तो भरतनाट्यम की तरह दिखता है। पर अगर आप थोड़ा मतलब आप मोर गहराई से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अलग है डांस स्टाइल। अच्छा, ये जो आपने कहा कि नृत्य पर भी जोर है और साथ ही साथ अभिनय पर भी जोर है, तो जैसे एक कथक है, कथक के जो अलग अलग घराने हैं, तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फला घराना जो है वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उसका फुट मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, फला घराना है उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। क्या कुचिपुड़ी में भी इस तरह से उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, या अगर एक कलाकार को संपूर्ण कलाकार बनना है या इसकी छवि होनी चाहिए कि वो एक मैच्योर अच्छा आर्टिस्ट है, तो दोनों ही पक्ष उतने स्ट्रांग होने चाहिए? देखिए, कुचिपुड़ी में मतलब बरसों से ट्रेडिशनल फैमिलीज़ थे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि घराना है, क्योंकि वो सब पर कुछ गुरु ऐसे होते थे कि मतलब उनका थोड़ा फोकस अलग होता था, और कुछ गुरु ऐसे होते थे कि उनका फोकस अलग होता था। अब हमारा स्टाइल थोड़ा अलग है। हमारा प्रहलादा शर्मा मास्टर गारू करके दूसरे कुचिपुड़ी फैमिली से सीखा था मम्मी डैडी ने। अब मम्मी डैडी 1960s 1970s से लेकर पूरा टूरिंग, मतलब पूरा वर्ल्ड वो टूर कर चुके हैं। तो ऐसे उन्होंने कुचिपुड़ी को पॉपुलराइज़ किया। वो हमेशा इधर उधर परफॉर्मेंसेस देते थे। उनको एक्चुअली न्यूयॉर्क जूलियार्ड से भी उनको ऑफ़र आया था टीच करने के लिए, पर डैडी ने बोला नहीं नहीं हमारा परफॉर्मेंस स्केड्यूल फुल है, हम परफॉर्म करेंगे। तो हाँ जी, तो वो परफॉर्मेंस में वो और प्रहलाद शर्मा मास्टर गारों ने इतने ज़्यादा लोगों को, मतलब इतने ज़्यादा शिष्य को सिखाया नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया। ऐसे ही वेम्पटी चिन्न सत्यम गारो हैं जो दूसरे कुचिपुड़ी फैमिली में से आते हैं। अब उन्होंने पूरा टूर किया सिखाने के लिए। तो आप जो देखोगे आजकल वो आप देखोगे ज़्यादातर उनका स्टाइल देखोगे, और मम्मी डैडी का स्टाइल आप मतलब सब लोगों ने देखा हुआ है पर कभी किसी ने सीखा नहीं। तो हाँ जी, आप ये ऐसे कभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि घराना अलग है, पर हमारे अगर आप बोलना चाहते हैं तो हमारे घराना में बहुत परफेक्शन, हम परफेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फुटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हाँ जी, तो हमारा थोड़ा स्टाइल अलग दिखता है। और वो इतना ज़्यादा वो टूर कर चुके हैं तो उनको पता भी लग गया कि प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए वेस्ट में। एक चीज़ आप और बताइए, जैसे अलग अलग डांस फॉर्म्स के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का होना बहुत नितांत आवश्यक है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ही होंगे, वो भी एक पहचान का तरीका है कि अगर संगत में ये XYZ वाद्य यंत्र हैं तो मतलब ये डांस फॉर्म है या ये प्रस्तुति है। कुचिपुड़ी में कौन से वाद्य यंत्र हैं जो आपको लगता है कि नेसेसरी हैं, वो तो होने ही होने चाहिए? तो कुचिपुड़ी में मृदंगम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृदंगम, नटुवंगम और वोकल्स तो मतलब हाँ, और उसके अलावा हम वायलिन और फ्लूट भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वीणा भी होता है, पर मृदंगम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे नॉर्मली कर्नाटिक म्यूज़िक की इस्तेमाल करते हैं, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा, और हमारे उसमें लैंग्वेज भी अलग, हमारे उसमें लैंग्वेज तेलुगू और ज़्यादातर संस्कृत और तेलुगू होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर कृष्ण की बात हो रही तो कृष्ण बनना है, या शंकर जी की बात हो रही तो शंकर जी बनना है। विषय वस्तु इसी के बहाने से समझाइए और अपनी पसंद भी बताइए। जब आप कोई डांस का कोई प्रोग्राम मान लीजिए आप करने जा रही हैं, या आपको कोई एक बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कहीं से और आपको कोई एक नई चीज तैयार करनी है और आप अपने लिए कोई विषय वस्तु ढूंढ रही हैं, तो उसमें क्या वही परंपरागत जो कृष्ण हैं, शिव हैं, इस तरह की चीजें ही निकल कर आती हैं, या देवी देवता जो हैं वहां से निकल कर आता है, या आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ नया भी करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए? और जब आप एक्सपेरिमेंट करती हैं तो उसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है, मतलब मैं कहाँ परफॉर्म कर रही हूँ और वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज ज़्यादातर बोलते हैं, तो ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पर मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि कुछ आइटम्स ना ऐसे हैं कि कुछ गाने ऐसे हैं कि वो सब भी पसंद करते हैं। वो अगर मैं अब जैसे अभी मैं नेदरलैंड्स यूरोप में मैंने टूर दिया था और मैंने गणेश जी के ऊपर गणेश वंदना किया था मैंने, और आप बिलीव नहीं करोगे नेदरलैंड्स में बस उस मतलब इतने नेदरलैंड्स और डबलिन में लोग क्या बोलते हैं सीटी मार रहे थे। हाँ, और मैं शॉक हो गई क्योंकि ऐसा नहीं, मतलब वो सिर्फ हमारे इंडियंस नहीं थे, वो आयरिश लोग भी थे और डच लोग भी थे, और एक पॉज आया था उसमें सब सीटी मार रहे थे और वो हूटिंग क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, पर वो भी कर रहे थे, वाह 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 करके वाहकार कर रहे थे वो। पर यू नो, ये ऐसे हमें ऐसा ही नहीं है कि हमें यू नो न्यू टॉपिक्स पे भी करना है, पर अगर हम कभी कभी करते हैं तो उनको समझ में आता है। अच्छा, तो हमारे उसमें मतलब वो पैरेलल वो कंपेयर कर पाते हैं। जैसे हमने जॉर्ज हैरिसन के सॉन्ग पे माई स्वीट लॉर्ड करके हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं उस गाने में वो। तो जब हमने ये परफॉर्म किया था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अरे यू नो व्हाट अ वंडरफुल रेंडिशन, और उनको समझ में आया अच्छा इसमें उन्होंने सरेंडर किया, तो उनको वो मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा उनको समझ में आया क्योंकि वो उनको लैंग्वेज पता था। तो ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे टॉपिक्स पे करना है, पर अगर उनके लैंग्वेज में भी करें तो उनको ज़्यादा कनेक्शन मिलता है, फिर वो हमारे उससे के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। पर मैंने डच मतलब नेदरलैंड्स में मैंने दूसरे टॉपिक पे भी किया था, तो ये एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब हमारे देवताओं में था ये, कम्प्लीटली कंटेम्पररी टॉपिक पे था। और ये बट सत्वा, इसका टाइटल सत्वा था, प्योरिटी, तो मतलब हमारे प्योरिटी नेचर, जैसे नेचर नॉट ओनली विद इन अस बट ऑल्सो प्रकृति। तो हाँ, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें बहुत बेनिफिट्स भी हैं, पर हमें कभी अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, रूट्स को दिखाना बंद नहीं करना चाहिए। वो ये सिर्फ एक माध्यम है उनको समझाने के लिए कि हमारे स्टोरीज़ में क्या क्या होता है। ये डेप्थ उनको इतना पसंद है शिवेंद्र जी, कि हमारे स्टोरीज़ में इतना डेप्थ है, इनको इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आप नृत्य के साथ साथ गाती भी हैं और गाने लिखती भी हैं, तो ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पसंद तो नृत्य ही होगा, मूल तो वही है। लेकिन मैं इससे आपके जो आर्ट के इंटर रिलेशंस होते हैं, मतलब अगर आपको पोइट्री समझ में आती है तो आपको डांस करने में मजा आता है, अगर आपको डांस के लिए कोई लिटरेचर उठाना है तो वो पिक करने में आसानी होती है। तो जब एक आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुद ही गा रहा हो या खुद ही उसने लिखा भी हुआ हो, तो संभवतः वो पूरा का पूरा जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो 100% से भी कहीं ज्यादा ही होता है। एक कलाकार के मेच्योर होने के लिए, उसको और परिपक्व होने के लिए, आपको लगता है कि ये एक नया आयाम है जहां पर आप लिखते भी हैं खुद ही, गाते भी हैं खुद ही, और नृत्य तो आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को ये मतलब ज़रूर ऐसा लगता है कि जब इन सब में हमें थोड़ा सा नॉलेज हो तो हमारा नृत्य और भी भरपूर होता है, क्योंकि हम और भी समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम डांस कर रहे हैं तो अगर म्यूज़िक अच्छा नहीं है तो जमता नहीं है। मेरे लिए म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है और लिरिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एक माधवा गानम करके एक डैडी के साथ काम किया था मैंने, एक अभी कोविड के टाइम पे नया कोरियोग्राफी है उनका। तो मतलब डैडी ने ये साहित्य, इतने ज़्यादा पेजेस का एक साहित्य निकाला था, और फिर वो बोले थे ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये कैसे करें। तो मैंने डैडी को बताया, डैडी देखो इसका मीटर ऐसे लग रहा है, मतलब मीटर, पोएट्री में मीटर होता है ना, तो ये सब नॉलेज हम यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसे हम कुछ लाइंस निकालते हैं जैसे जमेगा ये सब, और जैसे मीनिंग अब जब हम पोएट्री को समझते हैं, अब पोएट ने किसी एंगल से लिखा होगा पर हम समझ सकते हैं किसी और एंगल से, ऐसे भी होता है। तो ये पूरा हम चेंज करके हम ऐसे कोरियोग्राफी बनाते हैं, तो ऐसे ही कोरियोग्राफी बनता है। तो इन सब में अगर नॉलेज हो तो और भी मज़ा आता है इस प्रोसेस में। अच्छा, अभी तो आप भावना यूएस में है ना? हाँ जी, अभी मेरा स्कूल है, तो अभी 2 साल का एनिवर्सरी होगा। डैडी आ रहे हैं 2 दिन में, और हम स्टूडेंट्स पूरे ट्रेन होके फिर परफॉर्म कर रहे हैं कैलिफोर्निया में। वहाँ किस तरह से इंडियन डांस फॉर्म्स को देखा जाता है? सिर्फ कुचिपुड़ी नहीं, मतलब जो भी इंडियन डांस फॉर्म्स हैं या इंडियन वोकल है, कोई भी इंडियन आर्टिस्ट जब वहाँ पर आता है, मैंने सुना है कि कई बार कलाकार को ये फील होता है कि जो इम्पोर्टेंस या जो तवज्जो उसको हिंदुस्तान में नहीं मिली बल्कि उससे ज्यादा विदेशों में मिलती है, ऐसा भी होता है क्या? मैं अग्री नहीं करती। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर इंडिया में हम जीत गए तो पूरे संसार में जीत गए। अब हमारा फील्ड ही इंडियन क्लासिकल डांस है ना, तो अगर हम इंडियन रसिकास को प्लीज कर पाए तो उससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा, क्योंकि पूरा नॉलेज उनके साथ है। अगर हम यहाँ पे बड़ा आर्टिस्ट बन गए तो हाँ इसमें भी बहुत बड़ी बात है, पर अगर इंडियन कला मतलब रसिकाज को समझ में नहीं आया और हम उनका रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाए तो ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा भावना, चूंकि अब आप सिखाती भी हैं और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं जहां बहुत यंग बच्चे भी आते हैं, सीखते हैं और वो इस आर्ट फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें जो है मैंने नोटिस की हैं, जो मैंने भी इंटरव्यू के बीच में कहा भी था कि रागगिरी यानी हमारी जो संस्था है हमेशा कोशिश करती है कि हम बच्चों को इन आर्ट फॉर्म से डराएं नहीं, उनको समझाएं कि ये हमारा कितना ग्रेट आर्ट फॉर्म है और इंटरेस्ट डेवलप करें। अगर संभव हो तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कराएं जिससे उन बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो कि कुचिपुड़ी क्या है या भरतनाट्यम क्या है या संतूर कैसे बजाया जाता है या फिर वोकल्स क्या है। आखिर क्यों एक राग को लोग 3-3 घंटे गाने की बात करते हैं या एक आलाप ही लोग 40-40, 50-50 मिनट करते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है इसको आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे आप लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो? उसके बाद ही सीखने या ना सीखने की बात होगी, लेकिन पहले उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना जो काम है उसको आप किस तरह से देखते हो? अब आप देखिए ये हमारे लिए इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि अब देखिए कुचिपुड़ी में नाटक है तो अगर हम उनको माखन चोरी भी करा देना तो उनको इतना मज़ा आता है, उनको कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तो हाँ जी, हर बच्चे को नाटक बहुत पसंद है, आपको भी पता होगा। तो वो ऐसे इतना मुश्किल नहीं लगा किसी को समझाने में और किसी को सिखाने में, कभी ऐसे मुश्किल नहीं लगा। अब इसके लिए भी मैं डैडी को ही क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये पूरा स्टार्ट किया था हमारे फैमिली में सिखाना और रेलेक्टम ऐसे बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना उन्होंने ने स्टार्ट किया था, तो हमारे लिए भी आसान हो गया उनको समझाना और सिखाना। अच्छा आखिरी सवाल ये बताइए कि वैसे तो आजकल यूएस हो चाहे यूके हो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हिंदुस्तान की सारी चीजें मिल ही जाती हैं, लेकिन आपने भी कौन कौन सी चीजें नोट करा दी हैं जो लेके आनी है पंडित जी को जब वो आ रहे हैं 2 दिन बाद? हाँ मतलब कोई खाने की चीज होता है ना कि अच्छा आ रहे हो तो आप मेरे लिए ये जरूर ले आना, या उधर से ही फोन आ गया हो कि बेटा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ लाना तो नहीं है, तो मुझे लगा जरा इसको पूछ लें। मैंने एक्चुअली मना किया था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, पर वो अभी भी वो पार्ले जी ला रहे हैं मेरे लिए। पार्ले जी बिस्किट और नमकीन वो दोनों ले आ रहे हैं मेरे लिए। यहाँ पे मिलता है पर ये एक्सपोर्ट क्वालिटी थोड़ा अलग होता है। चलिए तो पार्ले जी बिस्किट और नमकीन आप अगले कुछ दिन खाइए, उसका स्वाद तो संभवतः वही होगा, लेकिन वो जिन हाथों से आप तक पहुंचेगा उन हाथों से पहुंचने के बाद उसका स्वाद भी ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो नृत्य सफर है वो और मजबूत हो और सशक्त हो, ऐसी हम सबकी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवेंद्र जी, मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके आपके साथ बात करके।